आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट एज एंड व्हेन यू वांट। प्लीज ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस बिकॉज आई एम डीपली हर्ट, आई एम डीपली पेन्ड, एंड डोंट फॉरगेट इन द प्रोसेस द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट मी बाय लीडर ऑफ द अपोजिशन। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला करने वाला फैसला है। One second. Here is here. Sit down. सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट as and when you want. So my request is that unless नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वॉन्ट टू यूज वर्ड्स, आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना के लीडर ओपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए, ये आपके आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ओपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ओपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है, आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सारी कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है, कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है? यह है इनकी मंशा, इनकी मंशा यह है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है? सारा आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई, सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। आई विल गिव टाइम टू एवरीवन एंड आल्सो रिफ्लेक्ट व्हाट ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द चेयर। तीव्र आलोचना करता हूं, माने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। प्लीज ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस, ठीक, बिकॉज आई एम डीपली हर्ट, I am deeply pained. Don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir,
आई हैव डन इट मोर देन डजन टाइम्स इन दिस हाउस। हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैव इट फ्रॉम मी। मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या नहीं, कहा। मैं एलओपी की बात कह रहा हूं। क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर? अरे साहब जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या? मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। यू आर अ पर्सन हु कैन, यू आर अ पर्सन हु कैन फीस ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड, यू कैन फीस इट। यस यू सेड सो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू डू नॉट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ दिस हाउस by this misconduct। You are hurting sentiments of millions and millions of farmers। खड़गे जी सुनिए, पहले मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं, यू से एनीथिंग यू लाइक, यू डोंट रीड दिस बुक, यू डोंट फॉलो प्रेसिडेंट्स, सर यू यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट मी। Sometimes you behave like a teacher, as if I'm a student. नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। In this house, there have been number of occasions with individual members also, which I have recognized without looking at the rule. We have honored our scientists for ISRO. We have honored our players. We have honored everyone who has brought laurel to this nation. Now imagine my plight, leader of the opposition, questioning me under which rule I want that someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bell. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Charan Singh stands for impeccable public life, unimpeachable integrity, unflinching commitment to farmer. Doordarshi soch tha unka kisan aur gaon ke liye. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhary Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. Aaj ke din har kisan ke dil par aap chot kar rahe ho. Uske dil ko dhaka rahe ho. Chaudhary Charan jaise vyaktitva ke upar इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, आवर हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग। आई गिव फ्लोर टू जयंत चौधरी, प्लीज कंक्लूड योर ऑब्जर्वेशन। इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है।